गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंदा घाट एंड HPMC। डमटाल के सूरजपुर में मिला नवजात बच्चे का शव। कुम्हारड़ा में जीप लुढ़की, 10 बच्चे घायल। ऊना में फायर हाइड्रेंट रोकेंगे आग की घटनाएं। पद्धर में नारी शक्ति ले रही इंश्योरेंस का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। जिला कांगड़ा के सीमावर्ती थाना डमटाल के अंतर्गत आती पंचायत सूरजपुर में एक नवजात शिशु का शव मिला है। यह शव सूरजपुर में स्थित गैस गोदाम के पास खड्ड के किनारे पड़ा था। स्थानीय गांववासियों ने जब सुबह जाते हुए इस शिशु के शव को देखा तो उन्होंने सूरजपुर पंचायत प्रधान चंद्रदेव को इस बारे में सूचना दी। पंचायत प्रधान चंद्रदेव ने इस बात की जानकारी थाना डमटाल में दी। थाना प्रभारी रमेश बैंस पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस की जांच जारी है। जिला मंडी के कोटली के साथ लगते कुम्हारड़ा में एक निजी जीप सड़क के नीचे खेतों में अनियंत्रित होकर लुढ़क गई। इसमें प्राइवेट स्कूल के 10 बच्चे सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। 9 बच्चे कोटली अस्पताल व एक बच्चा कडकोह अस्पताल में उपचाराधीन है। मंडी और धर्मपुर हल्के के बीच ये हादसा हुआ। एम्बुलेंस तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि 10 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, 10 बच्चे घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह 10:30 के करीब कोटली सिविल हॉस्पिटल में 9 बच्चों को लाया गया, जिनका एक्सीडेंट में चोट लगी थी। अभी उन सबका इलाज चला है और एक बच्चे को PHC कड़कों में ले गए हैं, जो इस एक्सीडेंट में चोट लगी थी। अभी इन सबकी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही है, अभी इनके एक्सरेज और टेस्ट हो रहे हैं, फिर उस हिसाब से आगे देखेंगे किसका क्या करना है। कोई इसमें से अभी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी वाला कोई बच्चा नहीं है। ऊना में आगजनी की बढ़ती घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने शहर में फायर हाइड्रेंट लगाने की तैयारी कर ली है। अब शहर में जल शक्ति विभाग हाइड्रेंट लगाने के कार्य में जुट गया है। उधर प्रवासी लोगों को आग के प्रति जागरूक करने की मुहिम छेड़ी गई है। इस दौरान हाइड्रेंट की कमी भी सामने आ रही है। झुग्गियों में आग ना लगे इसके प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ऊना शहर व झलेड़ा के साथ लगती प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में जाकर आग से होने वाले जान माल के नुकसान को बताया जा रहा है। आग के प्रति लापरवाही ना बरतने की नसीहत दी जा रही है। 101 नंबर डायल करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान 28 अप्रैल तक चलेगा। देखिए, ये जो फायर सीजन होता है, ये समर सीजन के साथ में कोइंसाइड करता है और इससे एकदम पहले हम फायर सर्विस वीक मनाते हैं, जिसमें एक हफ्ते तक जो है लोगों को जागरूक करने की कार्रवाई की जाती है। हमने कल ही एक समीक्षा बैठक की है फायर सर्विस वीक में की गई एक्टिविटीज़ की और आगे आने वाले सीजन की तैयारियों की। तो उसमें जो भी बिंदु थे, जैसे फायर हाइड्रेंट्स की लोकेशंस का हो, पानी की अवेलेबिलिटी का हो, या फिर लोगों को जागरूक करने की बात हो, वो सारे दिशा निर्देश हमने दे दिए हैं। बल्कि फायर सर्विस वीक में तो हमने एक हफ्ता तक जो है मॉक ड्रिल्स और अवेयरनेस कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया है पूरा जिला में। और साथ ही साथ कल की मीटिंग के बाद हम लोग एक एडवाइजरी जो है रिकमेंड करेंगे प्रशासन के लिए कि वो जो है जहाँ भी उसको जो है जितना ज़्यादा आपके माध्यम से या नोटिस बोर्ड्स के माध्यम से या वर्बली भी जो है एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होगी, जिससे जो है आगजनी की घटनाओं को बचाया जा सके। सर, इसके लिए क्या कुछ कदम जो है वो उठाए गए? देखिए, ये मामला जो है हमारे ध्यान में था, तो अभी हम लोग IPH विभाग के साथ मिलकर जो है हाइड्रेंट्स की नई लोकेशन को चिन्हित करने वाले हैं। उसमें हमने तय किया हुआ है कि जहाँ भी हमारी गाड़ी एक तरफ पहुँचेगी और जितना हमारी गाड़ी में जो एट अ टाइम जो है होज रील्स अवेलेबल होती हैं, जो हमारा रफ एक एस्टिमेट है वो 300 मीटर का है,
तो हम ये देख रहे हैं कि हम 600 मीटर के तकरीबन जो है फायर हाइड्रेंट्स इन जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरियाज हैं इनमें लगाएं, ताकि किसी न किसी तरफ से गाड़ी की एक्सेस हो और वहां से हमारे जो फायर की टीम है वो होज रील्स डाल करके किसी भी आगजनी की घटना को रोक पाए। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शाखा पद्धर में उपभोक्ता, नारी शक्ति, व्यापारी व आम लोग वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविरों का अब भरपूर लाभ उठा रहे हैं। पद्धर शाखा प्रबंधक प्यार चंद ने बताया, हमारे बैंक कर्मियों के प्रयास से लोगों को जानकारी मिली और आज उपभोक्ता इसका लाभ ले रहे हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं है। उन्होंने बताया, अभी हाल ही में बैंक कर्मी ताराचंद ने व कर्मियों ने लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक KYC होगा, कैश लेन देन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने उपभोक्ताओं को कई अन्य जानकारियां दी थी, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। पिछले कल 24 तारीख को हमारे कर्मचारियों ने ग्राम पंचायतों में जाकर के जो है वो ग्राम सभा में अपने सरकार के द्वारा चलाई जा रही जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है वो ग्रुप की महिलाओं को और सामान्य व्यक्तियों को जो ग्राम सभा में उपस्थित थे उनको जागरूक किया और बताया कि जो सरकार जो है वो इस समय जो है योजना जो चला रही है जीवन सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा, जिसमें कि महिलाओं का जो प्रीमियम है दे है वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कर्मचारियों ने 3-4 ग्राम पंचायतों का दौरा किया और वहाँ पर लोगों को और जनसभाओं को संबोधित किया और ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। तो ये जो है कार्यक्रम जो है वो सरकार द्वारा 30 अप्रैल तक जो इसकी हमने रिपोर्ट देनी है ये चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बैंक में भी काफ़ी महिलाएँ उपस्थित हैं और लोगों में इसके प्रति जो है वो काफ़ी उत्साह है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है इस जो चलाई गई है सरकार के द्वारा मुहिम जो है इसमें जोड़ा जाए और ताकि अधिक से अधिक महिला इसका लाभ प्राप्त कर सके। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल चायल रोड कंडा घाट सोलन। The Delhi World Public School with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation is located in Solan district in Kanda Ghat in Himachal Pradesh on Chail Road is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills with its pristine beauty with a sparkling stream flowing on one side adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board with all three streams available, science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including pottery, handmade paper and recycling of it with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with a provision of e-library. We have spacious, comfortable and well-lit classrooms catering to all age groups with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988 20
7500497 और 7559640097।